नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक गलियारे की 6 मूर्तियां तेज आंधी के कारण टूट गई। अब इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी राजनीति शुरू हो गई है। इस मामले पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी एक ट्वीट कर बिना नाम लिए एमपी की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने श्री महाकाल लोक गलियारे की 6 मूर्तियां गिरने पर ट्वीट करते हुए लिखा, जिस तरह बवंडर में मूर्तियां गिर गई, एक दिन इसी तरह लफंडर भी गिर जाएंगे। सोमवार देर रात को आईपीएल के फाइनल्स के दौरान आखिरी 2 गेंदों पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से निकले छक्के और चौके के दम पर महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 5वीं बार इस खिताब को अपने नाम कर लिया। पिछले कई दिनों से देश के नए संसद पर डिबेट हो रही है, जो अब बनकर तैयार हो चुका है। पार्लियामेंट को लेकर एक तबका उसका विरोध कर रहा है और इसे एक ताबूत बता रहा है, जबकि कई लोग इसके बनने से बेहद खुश हैं। विपक्षी दलों में भी कई नेता ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बने इस नए संसद भवन को सराह रहे हैं, जिसकी एक खास वजह है इसमें सिंगोल को स्थापित करना। इसके लिए साउथ से सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन ने भी खुशी बयां की है। मणिपुर में हालिया जातीय संघर्ष में मरने वालों की संख्या 24 घंटे में बढ़कर 10 हो गई, जिसके बाद सेना ने उन जिलों में हमले से बचने में सक्षम वाहनों के साथ अपना अभियान अभ्यास तेज कर दिया है। जहां उग्रवादियों ने बार बार उनके काफिले पर हमला बोला है, चुरानचंदपुर में मान्यता प्राप्त जनजातियों के एक समूह स्वदेशी जनजातीय नेताओं के मंच ने राज्य में जारी हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन को तत्काल लागू करने की मांग की है। जंतर मंतर पर पहलवानों द्वारा बैरिकेड तोड़ते हुए संसद भवन की तरफ कूच करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है। वहीं जंतर मंतर से पहलवानों के टेंट हटाने के बाद पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। नई संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर ही पहलवानों ने संसद के सामने महिला पंचायत ऐलान किया था। इसको देखते हुए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी। अंग्रेजों ने भारत पर अपने आधिपत्य के दौरान न केवल देश पर हुकूमत की बल्कि देश की कई बहुमूल्य धरोहरों को भारत से अपने देश भेज दिया। उन्हीं बहुमूल्य धरोहरों में से 7 धरोहर को यूनाइटेड किंगडम ने भारत को लौटा दिया है। भारत सरकार के माध्यम से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मिली इन धरोहरों को पुराना किला स्थित संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। अगर आप भी सिम खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि सरकार ने कुछ लोगों के सिम खरीदने पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी बढ़ते साइबर फ्रॉड को देखते हुए लगाई गई है। हालांकि नियम सरकार ने पहले ही बना दिया था, लेकिन 1 जून 2023 से इसे लागू कर दिया जा रहा है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के युवक या युवती को सिम नहीं दिया जाएगा। साथ ही यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नाइजीरिया में फंसे भारतीयों को जल्द वापस लाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जदयू सांसद के पत्र का जवाब देते हुए ये बातें कही हैं। बता दें कि बिहार में गोपालगंज, सिवान और यूपी के कामगारों को बंधक बनाए जाने की सूचना मिलते ही सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को 9 मई 2023 को पत्र लिखा था। हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैशन हो गई है। सिनेमा के माध्यम से सरकार द्वारा चतुराई से इसे फैलाया जा रहा है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि यह चिंताजनक है कि कुछ फिल्मों और शो के दुष्प्रचार के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव में वोट पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी सहरसा से गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार रात पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी देने मामले में पुलिस सूचना मिली थी, जिसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर सहरसा में छापेमारी की, युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पटना जंक्शन की सुरक्षा बढ़ा दी है। बिहार से बंगाल हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। बंगाल एसटीएफ की कार्रवाई में फिर से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अवैध हथियारों की बरामदगी के साथ ही 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 14 राउंड गोलियां और 6 मैगजीन बरामद हुए हैं। पकड़े गए 3 हथियार तस्करों में से एक बिहार का रहने वाला है, बाकी 2 राज्य के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले हैं। पुलिस को पता चला कि ये हथियार बिहार के मुंगेर से लाए जा रहे हैं। नए संसद भवन की ओर कूच करने वाले प्रदर्शनकारी पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के एक दिन बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रदर्शन को जंतर मंतर तक सीमित रखने तक उन्हें छुआ तक नहीं गया था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए यहां संवाददाता सम्मेलन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहलवानों के आरोपों पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। महाराष्ट्र के पुणे में एनडीए के पासिंग आउट परेड के दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सेना की चुनौतियों से लेकर मणिपुर हिंसा पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती भारत की उत्तरी सीमा पर रोजाना नहीं बढ़ रही है, यह उतनी ही है जितनी 2020 में थी।
दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने पर प्रतिबंध लगने के बाद अब इंटरनेशनल रेसलर ने बड़ा फैसला किया है। विनेश फोगाट ने एक ट्वीट करते हुए ओलंपिक मेडल्स को गंगा में बहाने का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा है कि मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है, इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। फिक्स डिपॉजिट की बढ़ती ब्याज दरों का दौर जल्द ही खत्म हो सकता है। इसके पीछे का कारण 2000 रुपए के करेंसी नोटों के बाहर होने को बताया जा रहा है। जानकारों के अनुसार मौजूदा समय में एफडी रेट अपने पिक पर है, वहीं बैंकों का लिक्विडिटी क्राइसिस भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में बैंक जल्द ही एफडी के ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला ले सकते हैं। दुनिया के अरबपतियों के लिस्ट में बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है। मुकेश अंबानी इस लिस्ट में फिसल कर मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से पिछड़ गए हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर लिस्ट में मार्क जुकरबर्ग 12वें स्थान पर है, जबकि ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स में 10वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि जिस तेजी से यूपीआई बढ़ रहा है, उसे धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखें। अगर कोई कहता है कि उनसे गलती से आपके यूपीआई अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, तो पहले पूरी तहकीकात करें, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी कन्फर्म करें और आगे अगर कोई लिंक आता है तो उस पर क्लिक ना करें। अपना यूपीआई पिन किसी को ना बताएं। इसका इस्तेमाल केवल खुद से लेन देन करने के लिए ही करें। लेटेस्ट स्कैम और फ्रॉड करने के तरीकों पर नजर रखें। इससे आपको पता चलेगा कि स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए कैसे हथकंडे अपनाते हैं। राजधानी दिल्ली के यूपी भवन में एक महिला के यौन शोषण का मामला सामने आया। महिला ने इस मामले में दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस ने यूपी भवन का वह कमरा सील कर दिया है जिसमें युवती की ओर से यौन शोषण किए गए जाने का आरोप लगाया गया है। इधर मामले को लेकर यूपी सरकार बेहद गंभीर है। सरकार की ओर से विभागीय जांच के आदेश दिए गए और कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि मामले की जांच में जुटी पुलिस इस मामले में ज्यादा कुछ कहने से बच रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपों पर अभी जांच की जा रही है। पहलवान बजरंग पूनिया और केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक एनसीआर अस्थाना के बीच सोमवार को ट्विटर पर जुबानी जंग देखने को मिली। पूर्व डीजीपी ने पहलवानों को आगाह करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर पुलिस प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से पीछे नहीं हटेगी। पूर्व पुलिस अधिकारी के इस ट्वीट के बाद पूनिया ने ललकारते हुए उन्हें कहा कि बताओ कहां आना है, वह पीत नहीं दिखाएंगे, गोली सीने पर खाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के नेता व पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मंगलवार को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि आरोप गंभीर है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। बता दें कि सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर अपना एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि उन्होंने 18 विभागों के साथ उप मुख्यमंत्री पद संभाला है और गवाहों से प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार ने अपने अपने राज्यों में अमूल डेयरी के कारोबारों पर आपत्ति जताई है, तो वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने अमूल डेयरी का समर्थन किया है जबकि विजय डेयरी का विरोध किया है। ऐसे में आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी दक्षिण राज्यों के अमूल का स्वागत करने वाले पहले व्यक्ति हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों को चिंता है कि अमूल के आने से किसानों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में उन्होंने मंगलवार को नए संसद भवन को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सरकार और भाजपा कहती है कि नए भारत के लिए नई संसद, मैं कहता हूं मुझे अपना भारत चाहिए, ना नया ना पुराना, जहां धार्मिक अनुष्ठानों के बिना संसद हो, जहां कानून सभी को समान मानता हो। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से अपील की है कि अपने मेडल गंगा में ना बहाएं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आपको ये मेडल भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की कृपा से नहीं मिले हैं, अपितु वर्षों के तप और साधना से मिले हैं। आगे उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले दिनों पहलवान खिलाड़ियों के साथ बेहद बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है। इस घटना से सारा देश दुखी है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि समय रहते अहंकार छोड़कर राजधर्म का पालन करते हुए खिलाड़ियों की आवाज़ सुने और उन्हें न्याय दिलाएं। चेन्नई सुपर किंग्स को पांचवां खिताब दिलाने के बाद आईपीएल से संन्यास की अटकलों को खारिज करते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि दर्शकों के प्यार को देखते हुए उन्हें तोहफा देने के लिए वह अगले सत्र में फिर से खेलेंगे। इस सत्र की शुरुआत से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि यह धोनी का आखिरी सत्र होगा। मैदान पर दर्शकों ने उन पर जिस तरह से प्यार लुटाया, उसकी संभावना और प्रबल होती नजर आ रही थी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि इसके निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने बंगले के लिए मनरेगा योजना के तहत धनराशि रोक रखी है। मार्च 2022 में एक ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायर हो गई थी। मिस फायर होने के बाद यह मिसाइल 125 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पाकिस्तान के ईस्टर्न पंजाब प्रांत में जाकर गिरी थी। इस मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि गलती से ब्रह्मोस लड़ाकू मिसाइल दागे जाने से पड़ोसी देश के साथ संबंध प्रभावित हुए
और सरकारी खजाने को 24 करोड़ का नुकसान हुआ। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद शाकिर हुसैन, एच के मल्होत्रा, संजय चौधरी, नुन्नू गोलू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांडी और दीपक कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने की बात कही, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।